चोरों में जश्न है, उत्साह है, चोरी करना नहीं पकड़े जाना गुनाह है। आज संसद कुछ ऐसे ही शोर से हुई, गुंजायमान ज्ञात चोरों के छूटने से हो रहा संस्थागत नुकसान। 14 साल पुराने इस केस में 10 साल सत्ता रही उनके पास, चोरी कर रहा था जिनके राज में चोरों का समाज। हर्ष से गर्जना कर रहा आज चोरों के इरादे जनता के सामने साफ, जन समाज नहीं करने वाला माफ, अभी अधूरा है इंसाफ। जिन्हें करनी थी जांच की यह गुनाह, झूठ की सांच पर उन पर ही तो आनी थी आंच। जो बेशर्मी से रहे आज फैसले पर नाच, सो देश की फैसला देने वाली अदालत ने भी यही है फरमाया कि सबूतों पर है मनमोहन सरकार के उपकार की छाया। जांच एजेंसी उन्हें बाहर लाए और दस्तावेजी सबूत दिखाए, देश की अदालतों पर है जनता को भरोसा। पर जांच एजेंसी ने और सरकारी वकील ने अदालत में मामला ठीक नहीं परोसा, इसलिए चोर मुस्कुरा रहे और ईमानदार अपने को बता रहे। जनता आज इतनी नहीं नादान, उसके पास सच झूठ को समझने का है उचित ज्ञान। चोरों का उछलना कूदना कर रहा उनकी छवि का और नुकसान, इसलिए जनता का माल हड़प यूं न मुस्कुराओ। देखो जनमानस के आईने में और समझ जाओ, चोरी गुनाह है और उसका बचाओ चोरी का श्रृंगार। असल में कहें तो यही है असल पाप व्यभिचार, और उसमें इस प्रकार के झूठे उद्गार कि नहीं हुआ भ्रष्टाचार। गिरा देते हैं आपका मान सम्मान बहुत प्रकार, कुछ ऐसा ही आज का नजारा है। चोरों को कुछ लोगों ने ईमानदार कर पुकारा है, जनता को इसका दर्द है कि आज न्याय हार गया सबूतों के अभाव में, और कितने पापी खड़े हो गए चोरों के बचाव में, और आज कितने पापी खड़े हो गए चोरों के बचाव में।